हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मेरा मॉर्निंग थोड़ा लेट हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़ोर की ज़ुकाम लगी हुई है, ये माथे में तेल दे के बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज मेरा जब तक वीडियो आपको मिलेगा तब तक आफ्टरनून हो जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल के दो वीडियोज़ आए थे, उसके कमेंट्स लेके आई हूँ। अगर मेरे वॉल्यूम में थोड़ा सा आज कम धीमा नज़र आए तो प्लीज़ क्षमा चाहूँगी। हाँ, नमस्ते बोल दो नमस्ते। इसको भी जुकाम हो रखा है, इसको भी तेल मैंने दिया है ताकि इसका तो 3 तारीख से फिर स्कूल रीओपन होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, कौन सा पूछे? वो सब बाद में बेटा, मुझे पहले काम कर लेने दो। तो सबसे पहले मैं शशि जी का मैसेज पढ़ूंगी, जाओ खेलो। शशि ने लिखा, अरे बहन जी, गुनगुन के पापा बहुत बदतमीज है और सब समर की माँ सैन का इश्क, अच्छा समर की माँ का उनके साथ इश्क चल रहा है, आप समझती नहीं है। फिर विनीता जी ने कहा, हैप्पी होली दीदी, हार्ट दिया, थैंक यू सो मच विनीता जी। फिर शशि जी ने लिखा, अरे भाई जी, आप सही कह रही हैं, लग रहा है इसको छोड़कर भाग गई, बुढ़ा को बुढ़ी बहुत चाहती रहना। फिर जोस्विन जी ने लिखा है, नाउ सडनली ध्रुव इज़ मिसिंग फ्रॉम द सीन, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट एपिसोड नाउ ध्रुव इज़ मिसिंग। ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, नागिन के पापा है एकदम। फिर प्रेमा जी ने लिखा है, लेडी समर मम्मी इज़ गुड बट ध्रुव मदर इज़ वेरी क्रूअल टू गुनगुन, समर लव्स गुनगुन। ओके। उसके बाद शशि जी ने लिखा है, समर की मम्मी ने बच्चा पैदा नहीं किया, गुनगुन के बच्चे को क्या ध्यान देगी। अब वही तो देखते हैं क्या ध्यान होता है, पहले बच्चा तो ज़मीन में आए, यहाँ धरती में तो बच्चा ही नहीं आ रहा है। फिर जोस्फिन जी लिखा, टू व्हाट आई थिंक सिस्टर ध्रुव इज एंग्री विद गुनगुन बिकॉज शी स्टिल कॉल्स फॉर समर व्हेन एंड ही नीड्स समर कम्स। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट जोस्फिन जी। खिंतुजर जी ने लिखा है, दीदी ये सब मिलकर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर खुशी बहन ने लिखा है पाकिस्तान से, हेलो दीदी नमस्कार, मैं खुशी पाकिस्तान से, दीदी साल की अच्छा सही की मन ने दिल के मन की बेटी है तो फिर समर को बैग गुनगुन का भाई हुआ ना। हाँ, अगर वो बेटी मानी बेटी है तो गुनगुन तो समर की बहन हुई, तो ये कैसा रिश्ता है, ये गांव वालों का अलग रिश्ता निकाल दिया है। मेरी छत पे मत जाओ, नहीं छत पे मत जाओ, नीचे जाओ, नहीं छत पे मत जाओ, तुम जाओ नीचे जाओ, ट्विंकल नीचे जाओ, उसके बाद नीता जी ने लिखा है, हर्षा जी देखा समर की मम्मी ध्रुव कोई मम्मी को अच्छी माँ बनाने के सलाह दे रही है और खुद क्या है, ना अच्छी माँ बन सकी ना अच्छी सास बन सकी और गुनगुन के पेट तो आज पूरा फ्लैट है, ये बच्चा कभी छोटा बन जाता है कभी बड़ा बन जाता है। सही कहा आपने नीता जी, सच में ये वीडियो देख देख के अब हम ऊब चुके हैं, एकदम सही बात है। फिर जयश्री बहन ने लिखा है, पहली बार समर की माँ का कोई हक नहीं बनता गुनगुन के यहाँ जाके रहने का और उल्टा ध्रुव की माँ से लड़ाई करने का, सीधा बता दे क्यों नहीं हम इश्क लड़ाने आए हैं, एकदम इश्क लड़ाने ही आए हैं। जोस्फिन जी ने लिखा, एक्चुअली द मेन थिंग इज गुनगुन वॉन्ट्स टू मदर इन लॉज टू कुक फॉर हर बिकॉज गुनगुन इज फुल ऑफ लेजीनेस, ओनली वॉन्ट्स टू स्लीप ऑन द सोफा एंड सी मोबाइल, इट लुक्स लाइक शी इज नॉट इवन टेकिंग बाथ, सेम क्लोज फॉर डेज शी हैज ऑन। एग्जैक्टली जोस्फिन जी, देर आई थिंक दे आर वेरी डर्टी पीपल। उषा आंटी ने लिखा है, समर की माँ बहुत शातिर है, नागिन बहुत बदमाश है, समर की माँ ने नागिन को बेटा बना रहा है, समर की माँ को जितना जूते पड़े उतना कम है। सही कहा आंटी, मतलब ये सब बहुत ही गिरे हुए इंसान है। उसके बाद मैं देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं जल्दी से बोल दूँ। गीता जी का है, सिस्टर आपने समर की माँ बहुत गलत है, सही कहा आपने गीता जी। फिर बस मेरे पास ये वीडियो में इतने ही मैसेजेस थे, अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरी वीडियो की ओर जहाँ पे समर को हिदायत देने आई है राधिका की मम्मी विथ गिफ्ट्स। तो यहाँ
सबसे पहले मैसेजें पढ़ूंगी विनीता जी का। उन्होंने लिखा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग राधे राधे दीदी, हार्ट भी दिया है राधे राधे। अब तो गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून होने जा रहा है विनीता जी, आज मुझे ही लेट हो गया गुड मॉर्निंग बोलने में। ताशी जी ने लिखा है आपने बिल्कुल सही बोला, समर की मम्मी बहुत गलत है। थैंक यू ताशी जी। फिर खुशी बहन ने लिखा हेलो दीदी नमस्कार, मैं खुशी पाकिस्तान से। ये समय कुत्ता समर कुत्ता इंसान या बिकने वाला कभी गुनगुन के बाप से तो कभी राधिका की माँ से बाकी थी। मेरी बेटी के मेरी बेटी विद्या की कॉल बैठे हैं, उसको विश कर देना दीदी। हाँ ऐसे कभी राधिका की माँ से बाकी थी, मेरी बेटी की मेरी बेटी विद्या की कॉल बैठे हैं, उसको विश कर देना दीदी। अच्छा हाय विद्या कैसी हो। उसके बाद रेनू गुड ट्विंकल बैठो, ट्विंकल ट्विंकल प्लीज बैठो, बैठो धूमधाम आवाज हो रहा है। अच्छा ठीक है बैठो प्लीज बैठो। रेनू गुरंग जी लिखा बिल्कुल सही बोला सिस्टर, थैंक यू सो मच रेनू जी। ये बच्चे लोग को बोलते बोलते ना और परेशानी लगता है, ऐसा लगता है ना जैसे जो तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है वो भी ख़राब हो जाएगी। शशि जी लिखा सही बात है, अगर समर के पास नहीं रह सकती तो अपने गांव जाए, अपने हस्बैंड के पास रह जाए। एकदम सही बात है बहन जी, लग रहा है सब झोल झाल है और कुछ नहीं। एकदम सही कहा आपने शशि जी। प्रेमा जी ने लिखा है प्रेमा त्रिपाठी जी, ये प्रेमा त्रिपाठी जी है वो प्रेमा फ्लेमिंग जी हैं। ये प्रेमा त्रिपाठी जी ने मुझे लिखा है बहन आपने बहुत अच्छा बोला कि समर को गुनगुन की बड़ी पड़ी है, राधिका की चिंता नहीं है, उसकी माँ तो मंथरा का रोल निभा रही है क्योंकि वह समर की कसम की जिंदगी माँ नहीं है। हाँ सही बात है नंदिनी, वो अपनी माँ नहीं है ना इसलिए। नंदिनी जी ने डॉक्टर नंदिनी ने लिखा है राधिका का 100% गुनगुन प्रेग्नेंट बनती ना मोटा कर विश्रम का जैसा का राधिका के पैर में गिरती, ऐसे इंजॉय करने के लिए बेशरम आपको देखकर समझ में क्या सिखाते शब्द नहीं। एकदम समर की मम्मी बेशरम बुढ़ी बुढ़िया, शर्म अकल नहीं है, राधिका आपकी भाव है बहू है, वहाँ पर जाकर बेटी के जैसे निभाया पर आकर क्या करे, दूसरे के घर में ध्रुव के फैमिली है, लड़ाई झगड़ा स्ट्रीट रहने से घर परिवार चलता, बेशरम ज्ञान देना पड़ी गुनगुन के जैसे, दोनों वही हैं चिल्लाकर बेकार हैं दोनों। एकदम फिर आपने लिखा है मेरी बहन ध्रुव के सास ससुर उसके फैमिली वा जाने वा समझे, लोग कौन होते जाने वाले, बेशरम बुढ़ी है ये समर की मम्मी, गुनगुन के जैसे है घर में स्थित, ट्रेनिंग लिया कोई अच्छा रहता, ध्रुव बहुत स्ट्रांग स्ट्रीट लड़का है ऐसे रहना चाहिए। सही कहा आपने। उसके बाद जोसमिन जी लिखा है गुनगुन एंड समर एंड समर्स मदर आर ऑल थ्री इन वन विच साइड द विंडो ब्लोज द दे विल गो विद द फ्लो राइट नेम यू गेव देम शटलकॉक। Sister Summer is not thinking what Radhika's mom is doing. He is not making an effort to work because he is getting everything free. Exactly. फिर शशि ने लिखा है यहाँ पर राधिका की माँ मार नहीं रही है, गुनगुन के पापा आकर एक मारते थे। एकदम सही कहा आपने शशि जी। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो पढ़ लूँगी। नहीं सबका पढ़ लिया है। अब मैं अपने कमेंट के वीडियो में एक बार देख लूँ। पहले मेरे खुद के कल के होली के ब्लॉग मैंने जो छोड़ा था उसमें कुछ कमेंट्स मिला है। विनीता जी का है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग राधे राधे जी, हैप्पी होली, थैंक यू सो मच विनीता जी। ताशी जी ने लिखा हैप्पी होली, थैंक यू सो मच ताशी जी। गीता जी ने लिखा सिस्टर दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, गॉड ब्लेस योर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच गीता जी। जोसिन जी ने लिखा है व्हेन माय चिल्ड्रन कम फॉर वन मंथ हॉलीडे एंड गो बैक आई फील सो हॉरिबल, आई मिस माय ग्रैंड चिल्ड्रन मोर देन एनीथिंग, सिस्टर चिल्ड्रन ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फील लाइक सेलिब्रेशन अदरवाइज फुल हाउस इज सो डल। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू जोसिन जी। इंदिरा जी ने लिखा है वेरी लवली एंड वेरी लवली फैमिली एंड ब्यूटिफुल चिल्ड्रन हर्षा जी। मेरा नाम हर्षा है इंदिरा जी, हर्षिता नहीं। हर्षा जी आई विश दैट योर फुल फैमिली विल सेलिब्रेट होली ऑलवेज विल लाफ and love with laugh and happy with good health. I pray that mummy will get good health very very soon and spend good and happy time with grandchildren. Once again I wish your full family a very happy holi with good health. Thank you so much Indra ji, your message makes my day seriously, and my mother-in-law is quite well now. Thank you so much.
शेर मैं देख लेती हूँ, किसी का मैसेज और नहीं है इसमें। अब मैं एक बार अपने कमेंट के वीडियो मैसेजेस पढ़ लूँ। कमेंट के वीडियो मुझे मैसेजेस मिले हैं। सबसे पहले सुशील जी का है, उन्होंने लिखा है, समर को भी शर्म आना चाहिए कि ध्रुव बहुत बार बोल चुका है कि यहाँ मत आओ, लेकिन समर फिर भी गुनगुन के पास जाने में शर्म नहीं आता, और अभी होली लगाने जा आ ही गया। मम्मी का बहाने में वे शर्म, और समर की माँ को भी शर्म नहीं आ रहा है, वह रही है माँ बेटा दोनों ही बेशरम है एकदम। शशि जी लिखा है, युवान तुम्हें बहुत बहुत प्यार, नमस्ते। थैंक यू सो मच शशि जी। फिर सुशील जी ने फिर लिखा है, इन लोग का नाटक अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इन लोग का नाटक देखते देखते बोर हो चुके हैं, कोई भी समझने को तैयार नहीं है एकदम। नंदिनी जी ने लिखा है, वो मेरी प्यारी बहन, ये तो सही है, समर की मम्मी बुढ़ी बुढ़िया बेशरम औरत घर खराब कर रही है, तेरी बहू राधिका है, तू यहाँ पर आकर ज्ञान दे रही है, राधिका के साथ बेटी के साथ निभा यहाँ पर आकर गुनगुन के पापा के साथ सोने के लिए। एकदम सही लिखा है आपने नंदिनी जी, कोई शक नहीं, पर इनको तो कोई चीज़ का इनको शर्म ही नहीं है। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे, और मैसेजेस नहीं हैं। आई होप आप लोग तक मेरी आवाज़ क्लियर आज गई होगी, अगर नहीं गई तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे प्यार और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा, फ्रेंड्स मेरे फैमिली मेरे साथ रहिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज के लिए इतना ही। बस मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बस ये लास्ट मोमेंट में ठीक दौड़ के आ जाता है, बोल दो बाय बाय, तब तक के बाय बाय, जय वंदे मातरम।